हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपके पास फोटोशॉप खरीदने के पैसे नहीं हैं या आपका लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए काफ़ी कमज़ोर है तो आप इसे ऑनलाइन कैसे फ्री में यूज़ कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का बटन है, उस पर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी। तो जैसा आपने देखा, बस गूगल में जाके फोटोपिया करके एक वेबसाइट है जिसको आपको सर्च करना है और इसका इंटरफेस लगभग फोटोशॉप से मिलता जुलता ही है, तो आप अपने आप को काफ़ी फैमिलियर पाएंगे। थोड़े से एड्स हैं पर अब आपको फ्री मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक तो सबसे बड़ी बात पूरा पूरा फोटोशॉप का ही इंटरफेस है। दूसरी चीज़, इसमें फोटोशॉप्स की रॉ फाइल यानी PSD एक्सटेंशन को भी सपोर्ट मिला है, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखा देता हूँ। आप इससे URL के थ्रू मतलब किसी वेबसाइट से भी इमेज लोड करवा सकते हैं, किसी डेटाबेस वगैरह से, और ओपन करके आप डायरेक्टली अपने हार्ड डिस्क में स्टोर्ड इमेजेस को भी अपलोड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एक सैम्पल के लिए आपको दिखा देता हूँ कि कैसे फाइल्स एडिट होती हैं और वगैरह, मतलब पूरा प्रोसेस। मैं यहाँ पे मैजिक वैंड टूल की मदद से इस फोटो के कुछ हिस्से को ट्रांसपेरेंट कर रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और बस इसे मैं सेव कर दूँगा। अब सेव करके दिखा देता हूँ आपको, और बस जैसे ही आप इसे सेव एज PSD का भी ऑप्शन दे रहा है और मैं PNG का फॉर्मेट में सेव करूँगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, और बस हो गया। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे तो नीचे सेव हो जाएगी आपके डेस्कटॉप के लोकेशन पर, जहाँ भी आप चाहेंगे अपने हिसाब से सेटिंग्स करके, और बस इसे खोल के मैं दिखा देता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थैंक यू वेरी मच। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। I'm not going to do that.